दादू नरसिंह का दोष काटने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण को आना पड़ा। पूरा घर कर्जे के लपेट में दबा हुआ और पूरे घर की नीलामी होने लगी। तब जाके भगवान श्री कृष्ण जो डांडा नागराजा के रूप में आते हैं और अपने भक्तों का संकट किस तरीके से काटते हैं मेरे माध्यम से सुन सकते हो। और दोस्तों सत्य घटना है। और आप सभी को दोस्तों आज भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी के मौके पर मैं आप सबको ढेरों बधाइयाँ और शुभकामना देना चाहता हूँ। आज ही के दिन त्रिलोकी नारायण ने इस धरती पर कदम रखा और हम जैसे लोगों को गीता और अनंत अनंत लीलाएं इस धरती पर दिखाई। तो दोस्तों हमारे लिए आज का दिन किसी पाठ पूजा से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज के दिन स्वयं नारायण ने इस धरती पर जन्म रखा है, क्योंकि नर ही से नारायण। दोस्तों हमेशा की तरह सत्य घटना में आगे बढ़ने से पहले आप सबके चैनल का एंट्रो। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों जो आज की सत्य घटना है आपके रोंगटे खड़े कर देगी, लेकिन कहानी में स्किप मत करना। दोस्तों ये जो सत्य घटना है इसने खुद मेरे को भी हिला के रख दिया कि उत्तराखंड जो देवभूमि है वाकई में देवों का स्वरूप है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे भी विनती करना चाहूँगा और आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा, आपके पास भी यदि कोई ऐसी सत्य घटना है जहाँ पर आपके दादा या परदादा या भगवानों ने कहीं पर भी उत्तराखंड देवभूमि में थोड़ा सा भी कहीं पर चमत्कार दिखाया है भगवानों ने साथ साथ, तो आप लोग हेमचू पहाड़ी के साथ एक कदम जरूर चलें। और यकीन मानो दोस्तों मैं उस घटना को सत्य समझ के ही अपलोड करता हूँ हमेशा, ना कि उसे असत्य समझ के। तो दोस्तों आज की सत्य घटना आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों ये जो घटना आई है मेरे पास ये पौड़ी से आई है। एक व्यक्ति कह के मैं संबोधित करूँगा, उनके दो बच्चे थे। दो बच्चों में से मैं उनके नाम रख देता हूँ, ये सत्यता के आधार पर है, इसमें नाम असत्य नहीं रहेंगे। उनके एक पुत्र का नाम था मनोहर जोशी और उनकी जो बहन थी उसका नाम था सुषमा जोशी। अब दोस्तों मनोहर जोशी के जो पिताजी थे उनका निधन हो जाता है। जब उनका निधन हो जाता है तो दोस्तों वो अपने बच्चों के नाम अपनी संपत्ति कर देते हैं और जो उनकी बहन थी सुषमा वो भी अपने खुशहाल उनको अपना मह के चले जाती है और सुषमा जो थी वो भी अपने उधर चले जाते। अब दोस्तों कहानी स्टार्ट होती है। मनोहर जोशी के जो पत्नी का नाम था उनका नाम था दृष्टि और जो उनके पुत्र का नाम था राज जोशी। मनोहर और मनोहर जोशी के पत्नी थी और उनके जो पुत्र थे राज, इनकी बिल्कुल चांदी कट रही थी। इनका बिजनेस था वो भी देखते ही देखते तरक्की में था और इस तरीके से तरक्की करते थे कि मानो पैसे को ये पानी समझते थे। और इतना अहम भाव इनको आ गया था कि अपने रिश्तेदारों को रिश्तेदार नहीं समझते थे और लगातार इतनी धन संपत्ति इनका, क्योंकि कारोबार क्या था इनका, जो कारोबार था वो एक परचून की दुकान थी और वो परचून की दुकान में इतनी भीड़ रहती थी कि अकेले मनोहर को काम संभालने की फुर्सत नहीं रहती थी। और शाम को जब रात्रि होती थी जो पैसे घर को ले जाते थे दोस्तों भर भर के ले जाते थे पैसे, इतना पैसा ले जाते थे, अपार पैसा घर को ले जाते थे और घर की बाकी जो संपत्ति थी जायदाद थी सब किन के नाम थी, सब इन्हीं के नाम थी। देखते ही देखते बड़े खुशी रहने लगे घर में और इतने खुश रहने लगे कि इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इधर सुषमा जो थी वो इनकी बहन थी, सखी बहन, इनको हर हमेशा ये दुख सताया जाता था कि पिताजी ने मुझे वो संपत्ति से कुछ भी नहीं दिया और मुझे
मुझे वैसे ही भगा दिया और एक चम्मच तक नहीं दी, क्योंकि मैं बराबर की हिस्सेदार होती हूँ जमीन में जायदाद में, और मुझे ऐसी विदाई करना दुख हुआ इस चीज़ का। ये करके सुषमा वहाँ से चले जाती थी। सुषमा के जो पति थे वहाँ, जो घर था वो भी काफ़ी ठीक ठाक ही थे, मिडिल कलेकार से थे, और सुषमा को काफ़ी पैसों की जरूरत, ये चीज़ की जरूरत पड़ती थी। तो ये अपनी बहन को भी अनदेखा, समय नहीं मिल पाता था कि दुकानदारी से और अहम भाव, ये सब चीज़ हो जाता है जब पैसा आता है। तो जो अपनी खुद की पत्नी होती है, अपनी खुद की पत्नी को भी समय नहीं दिया जाता है जब किसी इंसान के पास पैसों की बारिश होती है। रिश्तेदार तो बहुत दूर की बात है। तो इसी प्रकार से सुषमा जब आती थी तो उनके घर में, तो उसकी तरफ को कोई देखने वाला नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं, आती थी वैसे चली जाती थी। और जबकि सब कुछ बराबर की हिस्सेदार थी सुषमा भी, तो सुषमा को ये चीज़ का बड़ा बुरा लगा। और जब बुरा लगा तो वो जाती है अपने घर में। और सुषमा जो थी वो नरसिंह देवता की परम भक्त थी, और नरसिंह देवता की परम भक्त थी तो सुषमा अपने जो नरसिंह देवता के जो मंदिर में थे, तो इसने वहाँ घात लगा दी। हे नरसिंह देवता, हे दूधाधारी देवता, हे कृष्ण अवतारी देवता, तुम होगे अगर दूधाधारी देवता और अगर होगे अगर उत्तराखंड के नरसिंह देवता, आज जिस तरीके से मेरा मैके में अपमान हुआ है, जिस तरीके से मेरे मैके में मेरी पूछ घाच कुछ नहीं होती है, तुम होगे नरसिंह देवता तो मेरे को न्याय दिलाओगे और मेरा मान सम्मान पुनः उस घर में लेके आओगे, और जो हमारी संपत्ति है मैं देखती हूँ ये कैसे मेरी संपत्ति को खाते हैं। हे नरसिंह देवता, तुम होगे न्याय करने वाले देवता तो अवश्य ही मेरा न्याय करो। ये रात लागी गो छो न ते नरसिंहणिया, ये रात लागी गो छो न ते नरसिंहणिया, मारो भगत तो अब जो ये घात लग जाती है, कहाँ लग जाती है? नरसिंह देवता के मंदिर में लग जाती है। पुकार नरसिंह देवता के मंदिर में लग जाती है। तो चाहे कोई क्यों ना हो, भगवान से अगर भक्त कुछ भी मांगता है तो भगवान को हर हमेशा याद रखना, अपने भक्त की सुननी ही पड़ती है। इधर देखते ही देखते मनोहर के घर में क्या हो गया, संकटों का पहाड़ आने लग गया। और तो और इनके पुत्र की तबीयत खराब होने लग गई, कभी कैसी कभी कैसी कभी कैसी, हर समय ये दुखी रहते थे और कहीं से कहीं तक इनको इसका तोड़ नहीं मिला। इनकी पत्नी का स्वास्थ्य भी खराब हो गया, पत्नी भी बिल्कुल दुखी रहने लग गई और अपने मन दिमाग पूरा एक जगह पर स्थित नहीं रहने लगा। मनोहर ने कहा, यार ये कैसा संकट आ गया प्रभु मेरे घर पर। और मनोहर जो थे श्री कृष्ण भगवान को बहुत अधिक प्रेम करते थे। मनोहर ने क्या करा, अपनी पत्नी से कहा, दृष्टि एक काम करते हैं, हम वृंदावन घूमने जाते हैं, मथुरा वृंदावन सब घूम के आते हैं, और भगवान श्री कृष्ण से अपने जो ये दुख मेरे परिवार में आया है इसके लिए मन्नत मांग के लाते हैं। क्योंकि देखते ही देखते एक साल के अंदर ही अंदर मनोहर पर इतना कर्जा हो गया था, देखते ही देखते एक साल के अंदर मानो कर्जे के बोझ से पूरे दब जैसे गए हों, ना ही कार्य में मन लगना और दुकानदारी जो हो गई थी वो बिल्कुल ना के समान हो गई थी। कोई भी व्यक्ति मानो जैसे दुकान पर आता था और उसके बाद देखते ही देखते वहाँ से चले जाता था बोली टोली करके कि यार ये कितने का, ये कितने का सामान, ये कितने का, अक्सर देखते हो गया, उसके बाद वो चल देते थे वहाँ से। अपनी पत्नी से कहा, दृष्टि एक काम करते हैं, मैं और राजू और आप पूरे तीर्थ घूम के आते हैं, वृंदावन मथुरा भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके आते हैं, और मुझे विश्वास है निश्चय ही विश्वास है वासुदेव जो नंदन है वो हमारे अवश्य इस दुख को और कष्ट को दूर कर देंगे। इनने इस भाव से पूरे तीर्थ यात्रा करी, वृंदावन का हर दरबार और कोटि कोटि सब भगवानों के, और वहाँ पर इतने श्रद्धा इतने भाव से माथा टेक कर और भगवान श्री कृष्ण की आराधना करके पूजा करके इन्होंने प्रत्येक दरबार पर माथा टेका अपना। देखते ही देखते पूरा वृंदावन और पूरे तीर्थ इन्हें कंप्लीट कर दिए।
लेकिन जो इनका बच्चा था उसका दुख दूर नहीं हुआ। और ये अपने घर आए, इनने कहा एक महीने में ठीक हो जाएगा, दो महीने में ठीक हो जाएगा, तीन महीने में ठीक हो जाएगा, लेकिन इनका संकट और इनका दुख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस तरीके से इनके दुख बढ़ते हो जा रहे थे, इस तरीके से इनके दुख बढ़ते हो जा रहे थे कि मनोहर केवल अपनी दुकान में क्या कर रहे थे, मक्खी मारने का काम कर रहे थे और वो दिन भर वहाँ बैठे रहते थे, लेकिन एक ग्राहक के नाम पर एक व्यक्ति इनकी दुकान में आना पसंद नहीं करा करता। कैसा संकट मेरे परिवार पर आ गया, आज मेरे घर में इतना दुख हो गया। मैंने श्री कृष्ण भगवान को मथुरा जाकर और वहाँ से लड्डू गोपाल लेकर मैं अपने घर में लेकर आ गया, तभी भी मेरे घर का भला नहीं हुआ। मैं क्या करूँ, मैं समझ में क्यों नहीं आ रहा है, मैं किस भगवान को पूजूं, अब तो कोई भगवान नहीं होता। पत्नी के सामने के शाम को इनने अपनी पत्नी से कहा, कोई भगवान नहीं होता है दुनिया में, किसी भगवान का नाम मत लेना आज के बाद। क्योंकि इनकी पत्नी ने कहा, स्वामी जी अब इतना दुख हो रहा है, इतना परेशानी हो रही है, मैं सोच रही हूँ एक बार कहीं और तीर्थ चलते हैं और वहाँ जाके हम दोबारा से श्री कृष्ण भगवान से मन्नत मांगते हैं। तब इनने कहा, मनोहर ने, कोई भगवान के पास नहीं जाना है, किसी भगवान की चौखट पर नहीं जाना है। वृंदावन गए, मथुरा गए, क्या मिल गया हमको, कौन से भगवान ने आकर हमारा दुख काट दिया। कोई भगवान नहीं होता है इस दुनिया में, किसी भगवान ने आज तक किसी का दुख काटा, तुमने सुना, इस भ्रम में मत रहो कि कोई भगवान यहाँ पर आकर हमारा दुख काट जाएगा, क्योंकि हमें स्वयं ही करना है और स्वयं ही करने के बाद अपना दुख काटना है। आज हमारे लड़के की ऐसी हालत है जो बिस्तर में पड़ा हुआ है और सही होने का नाम नहीं ले रहा है उसका दुख, हम कौन से भगवान को पूजे, किस भगवान को पूजे हम बताओ। इसलिए मेरे सामने आप भगवान की बात ना ही करो तो बेहतर है, मुझे कोई भगवान को नहीं पूजना है। ऐसा कहकर मनोज चले आते हैं और अपनी दुकान पर विचार करते हैं कि यार मेरा अगर पुत्र को कुछ हो जाएगा, मेरी पत्नी को कुछ हो जाएगा, तो मैं भी जी के क्या करूँगा, तो मैं भी आत्महत्या कर लूँगा। क्योंकि जब आदमी दुखों से घिरा रहता है तो उसके दिमाग में क्या होता है, ये विचार चलते रहते हैं कि यार ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा होना था, ये ऐसा होना था, और वही ख्वाब उसको आते हैं मौत के, ये चीज़ के, क्योंकि इससे बड़ा बेहतर सोल्यूशन कुछ नहीं होता, मर जाओ समस्या ख़त्म हो जाती है, ये हर किसी के मन में होता है। लेकिन नहीं, समस्या वहीं की वहीं रहती है और हर चीज़ वहीं का वहीं रहता है। तब मनोहर ने क्या करा, सोचा, उनकी पत्नी जो दृष्टि थी उनने कहा, यार सब कुछ सारे भगवानों को हमने पूछ के देख लिया, सभी जाके सभी भगवानों की हमने पूजा कर ली, आज हमारे घर की ऐसी हालत है, मेरा लड़का सही होने का नाम नहीं ले रहा है, मैं क्या करूं, किस भगवान के पास जाऊं, कौन सा भगवान आकर मेरा संकट काट जाएगा, कोई तो होगा। फट से उनके दिमाग में याद आता है कि यार हमारे गाँव के जो कुलंकारी इष्ट हैं वो तो डांगा नागराजा हैं, और अभी तक मैंने उनका आह्वान ही नहीं करा, मैंने उनकी पूजा ही नहीं करी, मैंने उनको पुकारा ही नहीं, क्यों ना मैं अपने कुलंकारी इष्ट डांडा नागराजा का एक बार नाम लूं, क्या पता हमारे कष्ट कुछ कम हो जाए। फट से मणि मन में और ध्यान लगाती है, शेत नाग को ध्यान जाग, ऐर नाग को ध्यान जाग, बैर नाग को ध्यान जाग, माता जिया को ध्यान जाग, अपने घर के पितरों का कहती, हे मेरे घर के पितरों, हे मेरे घर के दादा परदादा, मैं तुम्हारे ही एक कुल को चलाने वाली इस घर की एक नारी हूँ, आज मेरे घर में ऐसा संकट पड़ा है और तुमने जो पूजा करी है वो तुम्हारे कुलों से डांडा नागराजा की करी है, हे डांडा नागराजा आज मेरा कुल एक संकट में है, हे डांडा नागराजा अगर मेरे पुत्र को कुछ हो जाएगा तो मैं जीकर क्या करूँगी, हे डांडा नागराजा
तुम हो गए अगर हमारे घर के कुलंकारी इष्ट तो हमारे घर में आओगे, मैं तुम्हें न्योत करती हूँ और मेरे घर में आकर मेरे इस दुख को काटोगे, तब मैं कहूँगी तुम डांडा नाग राजा हो। जग डूब जाए मेरा डांडा नाग राजा है, जाग तुम्हें जाए मेरा डांडा नाग राजा मेरा प्रभु, मेरा प्रभु पक्षियों को भी पाले है, पक्षियों को भी पाले छे निराधारियों को आधारे मेरा प्रभु, और हमारे घर के कुलंकारी इष्ट हो, हे डांडा नागराजा हमारे दुख को काटो। डूबे जाए मेरा डांडा नागराजा है, जाग डूबे जाए मेरा डांड नाग राजा मेरा प्रभु। हाथ जोड़ कर कहती है, जैसी ये पुकार डांडा नागराजा के कानों में पड़ती है दोस्तों, तो आप सभी को तो पता है हमारे उत्तराखंड में डांडा नागराजा किसे कहते हैं और किस रूप को पूजा जाता है। मैं आपको सबको स्पष्ट कर देता हूँ, जो डांडा नागराजा हमारे उत्तराखंड में जो पूजे जाते हैं वो श्री कृष्ण का ही एक स्वरूप है और उन्हीं की पूजा उत्तराखंड में डांडा नागराजा के नाम से करी जाती है। जैसी वो लड़की आह्वान करती है मानो वो पुकार उत्तराखंड के देवतों को लग गई हो, वो मानो पुकार उत्तराखंड देव भूमि को लग गई हो, वो मानो पुकार जैसे कई पहाड़ों और कई हिमालयों को लग गई होगी दोस्तों। ना भगवान श्री कृष्ण को आहत पहुंचा कि भगवान श्री कृष्ण एक सेकंड नहीं रुके, एक पल नहीं रुके, वो हो कन्हैया हो कन्हैया हो कन्हैया हो कन्हैया दिल श्याला मधु बनमा हो कन्हैया हो कन्हैया दिल मोसा जी डरना हो कन्हैया हो कन्हैया दिल शेर रूप लाए मेरा तू वे लो भगवाना रुकनैया रुकनैया मेरो मुरली को बजाया रुकनैया रुकनैया तेरे मुरली सुन की रुकनैया पुकार मानो भगवान श्री कृष्ण को उस पुकार का ही इंतजार था और जैसी वो पुकार उनके चरणों पर पड़ी दोस्तों, देखते ही देखते इनकी धेली पर एक इतना मोटा और भयंकर नाग इनकी धेली पर आ गया और धेली पर आकर इतनी जोर से फुकार भरने लगा मानो फू जैसे किसी को फूक से उड़ा देगा। जब दृष्टि की नज़र उस नाग पर पड़ी और जब राज की नज़र उस नाग पर पड़ी तो वो देखकर एकदम घबरा गए और कहने लगे, मम्मी मम्मी ये नाग हमारे अंदर क्यों आ रहा है। जब दृष्टि देखती कहती, यार ये नाग क्यों आ रहा है हमारे अंदर, तो ये दोनों जने आश्चर्य रहते हैं उस नाग को देख के। जब नाग इनके अंदर आता है और अंदर आने के बाद मानो भगवान का एक स्वरूप लग लेता है और श्री कृष्ण के स्वरूप में इनके सामने समक्ष खड़े हो जाते हैं। जैसे इनके समक्ष जब वो खड़े होते हैं तो ये दृष्टि की जवान खुल जाती है, कहती है, आज हे श्री कृष्ण भगवान आज तुमको किसने बुलाया, आज क्यों आए हो तुम, आज क्या हमारा ये तमाशा देखने आए हो, आज जब हम पूरे कर्जे में डूब चुके हैं और आज हमारे पास कुछ नहीं है और जब हम तुम्हारे धामों में आए तब तो कभी तुम नहीं आए और आज इस रूप में हमारे घर पर आ रहे हो और हमें छल रहे हो यहाँ पर नाग के रूप में, हम क्या करें भगवान यहाँ पर हमको छल रहे हो और आज हमने तुम्हें बुलाया नहीं, क्या करें भगवान तुम ही बताओ। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं तेरे घर का इष्ट हूँ और मैं डांडा नाग राजा हूँ, तुमने मुझे कभी बुलाया नहीं, तुमने मुझे कभी पुकारी नहीं डाली अपने घर के कान के इष्ट में, जब तुम मुझे अपने नाम से स्वरूप से मुझे बुलाओगे तभी तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। और दोस्तों हमेशा सत्य यही होता है कि जब तक
बच्चे को भूख नहीं लगी होती है और बच्चा रोता नहीं है ना, तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। बिगर मांगे और बिगर कहे भगवान भी किसी की पुकार नहीं सुनते हैं। तब दृष्टि कहती है, वाक्य में प्रभु हमसे गलती हो गई, हम आपका नाम लेना और आपको सुमिरन करना भूल गए थे। कहती है, प्रभु अब ये क्या हो रहा है हमारे परिवार में और ये दुखी हमारे परिवार में चलता रहेगा, इस दुख को काटो प्रभु, ये दुख का बाहर और ये दुख का बोझ अब हमसे नहीं सहा जाता है। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं समझ सकता हूँ ये तुम्हारा दुख नहीं है, ये दुख मेरे पर भी है और मेरे पर भी ये दुख चले हुए आ रहा है, ऐसा नहीं कि मैं इस दुख से परे हूँ। तब वो बताते हैं श्री कृष्ण भगवान, अरे जो ननद है सुषमा और उसने ये घात नरसिंह देवता के मंदिर में डाल दी थी, और जब ये नरसिंह देवता के मंदिर में पड़ी घात तो जोगियों की तो एक फटकारी बहुत होती है किसी कुल को नाश करने के लिए। सो शुक्र करो कि तुम्हारे घर में अभी किसी का बुरा नहीं हुआ है, आप सही सलामत हो। जब आप इतने वृंदावन और मथुरा ये घूम के आए तो उतना दोष का असर तुम्हारे घर से कम हो गया था नरसिंह देवता का, नहीं तो ये घात इतनी विकट थी ये कुल को ही नाश कर देती तुम्हारे। तब सुषमा रोती कहती, प्रभु हमसे गलती हो गई है, महापाप हो गया है हमसे, अब कैसे सत्यगति होगी, क्षमा कीजिए हे श्री कृष्ण भगवान, भूल हुई है हमसे जो भी, हम तुम्हारे रूप को और तुम्हारे स्वरूप को और तुम्हारी लीला को कभी समझ नहीं सके, हे श्री कृष्ण भगवान ये दुख काट दो, हमारा कुल और हमारे बच्चे आपके हमेशा ऋणी रहेंगे। प्रभु अब ये कैसे दुख कटेगा? तो श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, तुम्हें अपने घर में पूजा करानी पड़ेगी और भगवान डाड़ा नागराजा की, और जब तुम्हारे घर के डाड़ा नागराजा की जब पूजा होगी और उस पूजा में जो भाग होगा वो भाग नरसिंह देवता को भी दिया जाएगा और तुम्हारे घर के पितरों को भी दिया जाएगा, और उसके बाद हवन के बाद सब देवता तुम्हारे शुद्ध हो जाएंगे। उसके बाद फिर कहती, प्रभु आप तो सत्य कह रहे हो, लेकिन जो मेरे स्वामी हैं वो कैसे माने इस चीज़ को, वो तो इस चीज़ को मान ही नहीं रहे हैं, वो कहते हैं नहीं कोई भूत पिशाच कुछ नहीं होता, कोई भगवान नहीं होता। डाड़ा नागराजा हंसते हैं, कहते हैं वो सब आप मेरे ऊपर छोड़ दो, उनको बनाना नहीं बनाना ये मेरा काम है, मैं अवश्य ही अपने भक्त को बना लूँगा। डाड़ा नागराजा इतना कह के वहाँ से लुप्त हो जाते हैं। ये दोस्तों सत्य घटना है, इसमें कुछ भी असत्य नहीं है कि आप ये सोचो कि हे अपने मन से बोला, नहीं ये सत्य घटना है और सत्य घटना में हमेशा सत्य शुभ में सुनाता हूँ। तो दोस्तों जब वहाँ से वो नाग चले जाता है, उधर मनोहर दुकान में मानो मक्खियाँ उड़ा रहा हो, एक ग्राहक तक नहीं था वहाँ, ऐसी देखते देखते उनकी क्या हो जाती है, आँख लग जाती है, और जैसी आँख लगती है तो भगवान डाडा नागराजा इनके स्वप्न में आ जाते हैं और स्वप्न में आकर इनसे बोलते हैं, मनोहर मनोहर मैं सुनो। तो ये जैसी देखते हैं डाडा नागराजा को, कहते तुम कौन हो, तो ये श्री कृष्ण के रूप में परिवर्तन हो जाते हैं। तब कहते हैं, प्रभु आज आए हो तुम, तुम्हें बुलाने के लिए मैं कितने बार आपके चरणों में आया प्रभु, और कितनी बार मैंने आपसे मिन्नतें करी, मेरा दुख कम कर दो, दुख कम कर दो, कुछ तो कम करो, आज जब मैं मरने की सोच रहा हूँ, आज अंत समय में आ रहे हो प्रभु तुम। तब डाड़ा नागराजा हंसते हैं, कहते हैं भक्त मैं तेरा घर का इष्ट हूँ और मैं तेरा ये दुख करने ही कम आया हूँ, जब तुमने मुझे याद ही नहीं करा तो मैं कैसे आता तुम्हारे पास, आज जब तेरी पत्नी ने मुझे याद करा, जब तेरी पत्नी ने अपने पितरों को याद करा, तब जाकर मैं इस स्वरूप में आया हूँ तेरे घर पे। फिर वो रोने लगता, प्रभु ये दुख किसी प्रकार भी मेरा कम कर दो, मेरी किसी चीज़ में बरकत नहीं हो रही है, मैं क्या करूँ प्रभु, कोई रास्ता दिखा दो मेरे को। तब डाड़ा नागराजा कहते हैं, बस फिक्र मत कर, जो ये दुख और ये सब आया है ये सब तेरी बहन का दोष और अहंकार के कारण आया है, तेरे में घमंड आ चुका था पैसों का, अहंकार आ चुका था, और तेरी बहन तेरे घर से बार बार निराश होकर जा रही थी, मेरा भाई, और तुम्हारे घर में कोई उसकी पूज नहीं थी, और ये पुकार फिर उसने अपने दूधिया नरसिंह पर डाल दी थी, और जोगी की पुकार तेरे वहाँ पर लग चुकी थी। और कहता है, नहीं प्रभु ऐसा हो ही नहीं सकता है, मेरी बहन तो कभी मैं ऐसा मान नहीं सकता हूँ, मेरी बहन तो इतनी अच्छी है, मेरी बहन ये है, प्रभु मेरी बहन कैसे करे। तब वो बताते, तेरे
पिताजी को मरे हुए कितने साल हो रहे हैं? उनने प्रभु 1 साल। तेरे घर में विपता आए हुए कितना साल हो रहा है? उनने कहा प्रभु 1 साल ही हो रहा है। तेरे घर से इतने बार वो तेरे बहन लौट के चले गए? उनने कहा हाँ प्रभु। तो ये क्यों नहीं हो सकता है? दुख और हर किसी को अपनों से ही आशा होती है, और जब अपने ही किवाड़ बंद कर देते हैं तो भगवान को फिर सुनने पड़ती है। फिर कहते हैं प्रभु अब मैं इसका उपाय कैसे करूं? कोई उपाय, कोई सरल उपाय बताओ प्रभु जिससे मैं करूं। ना मेरे पर पैसा है, ना मेरे पर कुछ है, प्रभु कुछ तो बताओ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बच्चा तू अपने घर में एक पूजा रखा और इस समय पर एक पूजा रखा ले। कैसे भी कर, अर्जा कर जा, कुछ भी कर, तू ये पूजा को कर ले कम्प्लीट। कहता ठीक है प्रभु मैं अवश्य ही आपकी। और खट से इसकी आँख खुलती है, और जैसी आँख खुलती है दुकान बढ़ाकर तुरंत अपनी पत्नी और को ये घटना सुनाऊंगा। तो जैसे ही अपनी दुकान बढ़ाने का कार्य कर रहे थे तो इनके दुकान के सामने एक सुंदर तेजमान, प्रकाशमान, जैसे सूर्य के समान उनके मुख पर तेज हो, तो एक बालक इनकी दुकान पर आ जाता है और इनसे कहता है अंकल अंकल अंकल। कहते हैं हाँ बेटा बोलो। अंकल मेरे को क्या नाम कहते हैं एक दूध का पैकेट दे दीजिए, मेरे को दूध पीना है, मेरे भूख लगी है मेरे को बहुत ज़्यादा। तो इन्हें कहा ले बेटा तू दूध का पैकेट ले ले। तो उन्हें दूध का पैकेट दिया। इन्हें कहा बच्चा जा रहा होता, इन्हें कहा अंकल मैं किसी की दुकान से कुछ ऐसे नहीं ले आता हूँ, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक कान का कुंडल है, आप इस कुंडल को रख लो। कहते नहीं नहीं बेटा कोई बात नहीं, 20-30 रुपये की बात है तो दूध। कहता नहीं अंकल आप अगर नहीं लोगे तो मैं भी इसको नहीं लूँगा दूध को। कहते अल्लाह बेटा फिर दे दे। और जैसी बच्चा उधर को जाता है उसके बाद वो बच्चा दिखता ही नहीं है इनको, कहाँ गया क्या गया। तो वो कुंडल जो था, इन्हें बाद में पता लगता है वो कुंडल जो था वो सोने का था, और इतने आभूषण इतने उसका था, वो पता नहीं कौन से जमाने का सोना था। ये उस सोने को सुनार के पास ले गए बाद में, और सुनार के पास लेने के बाद इन्हें बिक्री करी तो दोस्तों वो 10 लाख का सोना बिका उस टाइम पर। तो सुनार ने जब 10 लाख का दिया तो इनके दोस्तों, इनने कहा अब तो मेरा सारा कर्जा तर जाएगा, और जो कर्जा तर जाएगा उसके बाद जो पूजा है ये भी सब मेरा सब समस्या दूर हो जाएगी। दोस्तों हमारे जो पहाड़ियों में कर्जा भी होता है तो ज़्यादा विकट कर्जा नहीं होता है, 50-30 करोड़ का ऐसा नहीं होता है। हमारे पहाड़ियों में 10-15 हज़ार का या 20-30 हज़ार का या ज़्यादा से ज़्यादा 50 हज़ार का, यही हम लोगों का कर्जा होता है, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, ज़्यादा विकट धनराशि हम नहीं लेते हैं किसी से कर्जे में। ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी ने अधिकतर सीमा कर दी तो 1 लाख रुपये किसी से कर्जा ले सकता है, यही हम लोगों की, मतलब पहाड़ी लोगों की यही सीमा होती है कर्जा लेने की। तो ये कहते हैं अब तो मैं सबका कर्जा उतार देता हूँ। इनने दूसरे दिन ही जितने कर्जदार थे सबको बुलाया अपने घर पे और सबका कर्जा उतार दिया। उसके बाद इन्होंने अपने घर में पूजा स्टार्ट करी, इन्होंने पंडित को बुलाया पौड़ी से, और पंडित जी इनके घर में आए और पूजा स्टार्ट करी। स्टार्ट करने के बाद इनने कहा इनके घर पर जो पूजा थे डोड़ा नागराजा की, दूध और अभिषेक वगैरह सब चढ़ाए, क्योंकि इनके घर में भी उसी टाइम पर एक चमत्कार हुआ था। मैं कहानी लंबी हो रही है तो इस वजह से मैं इसे रख रहा हूँ दोस्तों। फिर जब घर इनके घर में हवन वगैरह हुआ तो इसमें डोड़ा नागराजा की जो मूर्ति और रखी गई नाग के स्वरूप में, और उनको जल अभिषेक वगैरह सब चढ़ाया गया। नरसिंह देवता की पूजा अलग से करी गई। इनने अपनी बहन को भी बुलाया, उसका मान सम्मान इतना करा कि मानो उनकी बहन के आँख से अश्रु निकल के। उन्होंने कहा यार कैसे मेरे भाई लोग इतने अच्छे हैं और मैंने बेफालतू में ही अपना वो करा। उसके बाद जब सारी पूजा वगैरह समाप्त हो जाती है तो इनके घर में बाद में एक नाग आता है। नाग आने के बाद वो केवल 2 जनों को दिखता है, एक दृष्टि को और एक मनोज को, और वो श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हो जाते हैं नाग। और नाग प्रकट होने के बाद कहते हैं ये जो कुछ भी था ये आप लोगों की पूर्वजों की भक्ति का फल था, इसलिए मुझे उनकी भक्ति के कारण आना पड़ा। अब मैं हमेशा ही आप लोगों के साथ रहूँगा, और आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि अपने घर में जागर और अपने इष्टों की पूजा अवश्य करें, और दूधिया नरसिंह का जो दोष है वो उनके मंदिर स्थापित कर देना, और उनको जोगी और तिम्रू का लट्ठा जरूर चलाना, तब उनका दोष का जो है ये असर खत्म हो जाएगा। क्योंकि एक जोगी के दोष से कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि जोगी का दोष से अगर जोगी ही उसको काटेगा तभी वो दोष कटता है, इसलिए वो हमेशा याद करते रहना। दोस्तों ये जो कुछ भी है सत्य घटना मैंने आपको सुनाई है, इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। दोस्तों हमेशा की तरह अगर कहानी पसंद आई होगी
तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना कतई मत भूलना, क्योंकि आपका खुद का चैनल है दोस्तों। धन्यवाद।